में पुलिस ने मारा आपको? ये यहाँ पुलिस थाना में कहाँ मिलना? अब क्या गाड़ी लेके पैदल चल रहे थे? गाड़ी लेके गया था थोड़ा वो करने के लिए ना, और ये गाड़ी वो ये पानी नहीं था, पानी वो नहीं था, वो थोड़ा लेने के लिए गया था। हम इसे इसे कहा, मैं इसे बोला था गाड़ी उसे रखो, बोला हम तो रखने गया, हमको भगाए बोलता है। एक आदमी नारन तापों को नमा लिया, उसके बाद हम सेट किया भगाए बोलता हमको, डर लेके ताना गया ले गया उधर में, हमको इसे अंदर गिर गया इसलिए। ये कितना कितना बजे का बात है? दिन में हम बाजी मानो नहीं, अन्य का पड़ा है, हम अच्छा से भी बात नहीं करते है। डीसी का ऑर्डर है लॉकडाउन का पालन करना है। 9 बजे को खुलता है बोलते हैं ना, हम नहीं 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 खुलता है, नहीं खुलता है वो 9 बजे से लेकर। आपको मालूम था लॉकडाउन है बोल के और आप नहीं निकलना चाहिए, आप क्यों निकल के गया, क्या करने गया था? आज सिर्फ निकला है, गाड़ी का बिक्री नहीं है, गाड़ी का बिक्री नहीं है, इसलिए तो पानी लेने गया, पानी गाड़ी बिक्री डालने के लिए। हम बोला पानी मेरा गाड़ी पानी नहीं है उसको दे, हम थोड़ा इधर में जाएगा बोल के ना वापस आएगा। हम भी सोशल काम करता है, थोड़ा हम ताला लगाता है मेरा इधर कॉलोनी में, हम भी सोशल काम करता है, आप लोग जैसा काम करता है बोल के हम बताया। वो लोग फिर हमको जबरदस्ती वो लेके गया, हमको थाना में मारा है। तो आपको आपको कहाँ में पकड़ा पुलिस वाला लोग? पहले चांदनी होटल के सामने पकड़ के फिर कहाँ ले गया वो लोग? थाना में ले गया। अच्छा, थाना में लेके थाना का अंदर में भी नहीं लेके, बाहर में हमको एक सफाई का डंटी लेके हमको ऐसे दोनों हाथ से ऐसे ऐसे करके मारा है। देखो ये पूरा ये अभी सांस लेने नहीं सकते। तो आपने हॉस्पिटल गया उसके बाद में? हरमिंग में जबरदस्ती करके गया है, हरमिंग हॉस्पिटल में गया है, वो दुबई भी नहीं मिला है, और इसे ऐसे मुछने के लिए नहीं मिला है। उसके बाद हम पैदल। तो अभी आप क्या बोलना चाहता है पुलिस? जो पुलिस को हमको ऐसे हम बोला पुलिस को, मेरा पाप तुम लेगा, हम भी तो सोशल काम करता है, और मेरा पाप तुम ले लो ना, इतना हमको मारा है। आप लोग ऐसे ले लो, इतना तक आदमी को मारता है क्या? आता है धान पोलो कॉलोनी, हम नगरम दादे है, धान पोलो कॉलोनी गाड़ी भी नहीं आता है यहाँ में तो बस्ती। मैंने एक वीडियो देखा फेसबुक में वायरल हो रहा है, मीडिया वालों ने भी मुझे भेजा कि एक चांदनी होटल के सामने आज दिन को पुलिस लोगों ने एक आदमी को पकड़ के थाना के सामने जा लेके बहुत पिटाई किया हुई है। उसको देख के मैं बहुत दुख हूँ, ऐसा नहीं होना है। मैंने सभी पुलिस ऑफिसर्स और जवान को डायरेक्शन दिया है, किसी को हाथ ना लगाए, किसी को मारपीट ना करे, फिर भी आप स्ट्रांगली और स्ट्रिक्टली लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि आदमी को नहीं जाने देने से हो गया तो गाड़ी को रुका के रखो, कोई जबरदस्ती तो नहीं जाएंगे। तो मैंने इसको SDPO को भी एक्सप्लेनेशन मंगाया, SDPO नाहरलगुन से, ये क्या हुआ? तो उनका कहना है कि दिन को एक आदमी ऐसे आया था, पुलिस का रुकाने से नहीं रुका, तो फिर आगे मैं उसको पकड़ा, फिर थाना में ले गया, थाना में भी फिर ज्यादा ही आर्गूमेंट कर रहा था, तो इसलिए ऐसा हुआ होगा ऐसा बोल रहा है। तो केस भी रजिस्टर्ड है बोला है और गाड़ी भी सीज है। फिर भी जो भी हो, ये मैं इसको नहीं मानता कि कोई पुलिस वाला किसी पर हाथ लगाए। मैं खुद दूसरों का पाँव पे पड़ा रहना, अभी लगता है कि पुलिस वाला को पाँव में पड़ा रहना पड़ेगा कि किसी को मौत मारो, बिल्कुल मारना नहीं है। मैं भी बहुत सख्त हूँ और मैं किसी को डरता नहीं हूँ, और इम्प्लीमेंटेशन भी स्ट्रिक्टली करता हूँ। मैं खड़ा होने से मैं किसी को तोड़ के जाने नहीं देता, लेकिन किसी को मैं मारता नहीं। तो सब ये फॉलो करना है पुलिस ऑफिसर्स और जवान। उसके साथ इसमें मैंने वीडियो में देखा है, तो वो आदमी भी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग था लगता है कि लॉकडाउन 9 बजे के बाद खुल, मतलब लॉकडाउन नहीं होता है, ऐसा नहीं है। ये जो कर्फ्यू लगाया था 144, वो सिर्फ 8:30 to 3:30 वो फ्री था, कि फ्री इन द सेंस कि लॉकडाउन फ्री नहीं होता है, फ्री इन द सेंस कि वो जो दुकान है वो दिन को खोल सकता है, सेक्टर का कॉलोनी का दिन को खोल सकता है, ऐसा बात था। तो अभी तो 144 भी नहीं है, कि डीसी ने उसको एक्सटेंशन नहीं किया, 1 वीक के लिए था। तो आप आदमी कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये लॉकडाउन 144 हो या ना हो कंटिन्यू है। लॉकडाउन मतलब है कि आप गाड़ी बिना मर्जी से रास्ता में नहीं आ सकते हैं, आपका सिर्फ एग्जेम्प्टेड ग्रुप से, जैसे डॉक्टर है और नर्सेस है, उसके बाद पुलिस है, मजिस्ट्रेट है, और बाकी जो एसेंशियल सर्विसेज का है जैसे टेलीकॉम है, बैंक्स है, उसको छोड़ के आप गाड़ी लेके रास्ता में नहीं आ सकते हैं।
उसके बाद आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है अगर आप मेडिकल इमरजेंसी में भी जा रहा हो कोई केसेस में, तो ये लॉकडाउन कंटिन्यू है अभी। कल परसों अगर फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ अनाउंस करेगा कि कुछ रिलैक्सेशन होगा, तो भी आपको क्लियर होना है कि कुछ सर्टेन लॉकडाउन तो चलते रहेगा कुछ रिलैक्सेशन होने से। तो ये गलत फहमी में पब्लिक ना रहे, और ये आप सबका भलाई है कि आप घर में ही बैठे रहिए जितना हो सके, और उसके लिए हमने होम डिलीवरी सर्विसेज का भी प्रबंध किया था, जिसमें कि आप होम में घर में बैठ के इवन गैस का भी आप ऑर्डर कर सकता है। उसमें हेंको दादा प्लस हेंको का प्लस, उसमें भी हमने गैस का ऑनलाइन बुकिंग के लिए भी हम लोग ने किया, और अभी गैस के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक कॉल सेंटर खोला है जिसपे आप कॉल कर सकते हैं। और बाकी जितना स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स और फ्राइज हाइक, जहाँ पे फ्राइज ज़्यादा, उसके लिए भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक हेल्पलाइन खोला है। ये सभी हेल्पलाइन को आप देख के कंप्लेन देना है, बाहर आने की जरूरत नहीं। उसके बाद ATM के लिए भी कुछ बैंक्स लोग मोबाइल ATM ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं, और बाकी बैंक लोग भी करेंगे। तो इसलिए जितना हो सके आप घर में बैठे रहिए, क्योंकि बाहर जाना रिस्क है, क्योंकि आप बाहर से आप वायरस लेके आ सकते हैं। अभी तक फिलहाल ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश अभी कोई कोविड पॉजिटिव केस नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ में अभी वायरस बिल्कुल नहीं आया बोल के, क्योंकि काफ़ी टेस्ट का रिजल्ट अभी भी बाकी है। लेकिन हमको भी आशा है कि सब निगेटिव होगा, क्योंकि अभी तक जितना भी अराउंड 300 प्लस 400 जैसा होने वाला है जितना भी टेस्ट है, उसको जो तेजू का केस को सर के बाकी सब निगेटिव ही है, तेजू वाला भी निगेटिव हो गया। तो इसलिए सबको मेरा रिक्वेस्ट है कि आप घर में बना रहे, जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या गवर्नमेंट अरुणाचल से आपको लॉकडाउन खत्म करने का इंस्ट्रक्शन ना आए। अगर रिलैक्सेशन भी होने से भी आप घर में बैठे रहिए, और पुलिस का साथ भी आप कोऑपरेट कीजिए, पुलिस के साथ भी इस तरह का मारपीट होने मत दीजिए। मेरा भी सबको विनती है, आप स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू।